गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज फ्राइडे है जी, आज फ्राइडे है और एज यूजुअल मेरी मॉर्निंग शुरू होती है फिर से किचन से। तो ब्रेकफास्ट बना लिया है मनीषा दी ने और मैं यहाँ पे अभी देने जा रही हूँ माँ को ब्रेकफास्ट। मैंने क्या बोलती हूँ उसको, हाँ चपाती या दूध दे दिया है और यहाँ पे मैं बॉईल कर रही हूँ अंडा। ये देखिए अंडा जिसका पोस्टमार्टम हो चुका है, पता नहीं क्यों मैं जब भी अंडा बॉईल करती हूँ ऐसे ही हो जाता है। ये देखिए ये अंडे का क्या हाल हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मैं जब भी बॉईल करती हूँ अंडा ऐसे इसका पोस्टमार्टम बन जाता है। तो मेरी बेटी भी ब्रेकफास्ट कर ली है, उसके लिए मैंने बनाया था हलवा सूजी का और ये है मैंने प्याज कट करके रखा हुआ है क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ चने को फ्राई करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने चना भी यहाँ पर बॉईल कर लिया है। ये काले चने हैं जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसका कलर ऐसा ही आता है, आप लोग प्लीज़ जज मत करिएगा। ये मनीषा जी ने बनाया है भटूरा सेम्बी, कलकत्ते सेम्बी जो भी बोलते हैं आप लोग, मुझे पता नहीं उसका सब्जी। और रात को मैं काफ़ी लेट से सोई थी इसलिए सुबह उठने में भी काफ़ी लेट हो गया और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही सोती है, साथ में ही उठती है और अभी वो शायद बाहर में अपनी बड़ी मम्मी के साथ में अपना नेल कट कर रही है क्योंकि इसका नेल काफ़ी बड़ा हो गया था और वो मुझे काटने दे नहीं रही थी। तो उसकी बड़ी मम्मी बोली कि चलो नेल कटर लाओ, मैं खुद काट देती हूँ। तो देखिए कितने आराम से कटवा रही है जबकि मुझसे कटवा ली। बेटा नेल कटवा ली, कहाँ दिखाइए दिखाइए, अच्छा दिखाइए। अरे वाह ये वाला हाथ, अरे वाह गुड गर्ल, गुड गर्ल बेबी बन गई। हाँ बीबी मारेगी। क्या बोल रही है? बीबी मारेगी। कौन सा बीबी मारेगी? भौरा को, मधुमक्खी को? ऐसा लकड़ी का घर बना कर तव पूरा। अच्छा इसी में तो था, दिखाती हूँ हमारा बगान जिसमें टमाटर बहुत अच्छे से हो गया है। रुकिए मैं दिखा रही हूँ हमारे बगान का टमाटर। अरे ये तो टूट गया, मैंने पकड़ा और ये टूट गया। ये देखिए लाल लाल, इसे निकाल दूंगी। ये देखिए कितने अच्छे हैं ना। देखो नया तरह का कीड़ा है इसे मैं था। क्या हुआ? नया तरह का कीड़ा, कीड़ा आ रही हूँ देखिए। तेरा व्यू बन गया। आ रही आ रही। ये देखिए हमारे बगान का कहाँ कौन सा कीड़ा है, पेड़ में ऐसा लटका हुआ रहता है। कहाँ? ये ना डंटी में ही लकड़ी को ही अपना ही बना के घर बना के। कहाँ कीड़ा है? ये दे हम हाथ में भी पकड़े हैं। तो कीड़ा है, कहाँ कीड़ा है? अब इसको ऐसे करके ऐसे छीटेंगे ना। हाँ लकड़ी के अंदर है। हाँ तो मोटा तगड़ा था। बेटा खड़ा होना बेटा, हमको तुमको भी बढ़ना। अरे हमको गिराइए दी लड़की, हमको गिरा दी। बेटा जाइए अपना गुजेर लेके आई जाइए। लो इस धोती, ये सब में कीड़ा है। इसे देखिए कहाँ। अच्छा रुको इसको खोल के दिखाते हैं। ये कौन टाइप का कीड़ा है भाई? ये घर बनाता है इसे लकड़ी, बाहर में कवच है, घर है। हाँ बहुत मजबूत है। सही में कीड़ा है? आपको कैसे पता चला? देखिए मैया छी छी छी, इसके अंदर में एक कीड़ा। अरे बाबा रे छी, फट पिल्लू है बेटा, पिल्लू नहीं माना, गंदा है, छी छी होता है। छोटा वाला मधुमक्खी है ना, मधुरास बहुत टेस्टी होता है बोलते। इधर से जाएंगे देखिए तो ये कीड़ा है। हाँ देखिए दिखा, इसमें दिखा, इसमें से बड़ा चिपिंग तो बहुत। रुको 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 रुकिए मैं शॉर्ट बनाती हूँ। घिना पिल्लू देखकर तो मेरा तो मन खराब हो गया। छी कैसे कैसे पिल्लू रहते हैं ना,
मीन्स उज्जीवन पेड़ में लकड़ी को कवच बना के उसके अंदर रहते, पता नहीं उसके अंदर कैसे घुस जाते हैं, उसके अंदर घुसते हैं या फिर वो अपने बाहर उसको ऐसे वो पिल्लू कवच बना लेते हैं। मुझे लगता है जिस तरह से रेशम का कीड़ा अपने आप, और नहीं जिस तरह से क्या बोलते हैं उसको, अपने ऊपर ऐसे 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 गोल गोल अपने धागा निकाल निकाल के अपने ऊपर कवर कर लेते हैं, उस तरह ये पिल्लू वैसे करता है। ओ शिट, मैं तो ये भूल ही गई थी, इस अंडे को मैं भूल गई थी, इस अंडे का पता नहीं क्या क्या निकल गया, मैं माँ को दे देती हूँ, माँ ऐसे ही खाएगी तो ठीक है। मन खराब हो गया सच में यार मेरा, वैसे मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, ये रहा माँ का अंडा, एकदम अजीब सा मेरा मन हो रहा है। वैसे भी मुझे छिपकली से चूहा से उतना डर नहीं लगता है, लेकिन पिल्लू सबसे हो मैम जी, आई कॉन्ट टॉलरेट। लीजिए तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से चने को फ्राई कर लेती हूँ। मेरी बेटी ना रोज दिन रोटी खाने नहीं चाहती है, इसलिए से कुछ कुछ डिफरेंस आज कल रात में मैंने उसे खिलाया था बेसन का चीला, और अभी मैं उसके लिए हलवा बनाया मॉर्निंग में, और अभी जाकर के से चने को फ्राई कर देती हूँ। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट करते रहिएगा, आपके प्यार सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आई होप मेरा आप वीडियो इंजॉय करते हैं। और ये तो ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, चलिए फटाफट बनाती हूँ। मुझे बनाना था सूती के लिए कुछ मिक्स वेज, क्योंकि वो करी वाली सब्जी नहीं खाती है, तो मैंने उसके लिए बना दिया जूस। अच्छा ठीक है डा, वाह सफोला जूस बहुत टेस्टी है बेटा। हाँ टेस्टी लगा, यहाँ देखिए ये बनाया है मैंने कुछ गाजर मटर और आलू के साथ में, जो लगभग हो चुका है। इसकी रेसिपी आपको शॉर्ट्स में मेरे शॉर्ट्स में मिल जाएगी। सिंपल सा मैंने बनाया है कि बेबी लोग टोडलर लोग खा सके, तो इतना जज मत करिएगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी गैस क्लीन नहीं किया है, वो सब कुछ काम हो जाएगा फिर गैस क्लीन कर दूंगी। तो अपनी बेटी की वजह से मैं सब्जी में दाल में मिर्च नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो मिर्च बिल्कुल भी नहीं खाती है। हाँ बेटा, हाँ शना, क्या हुआ तो मम्मा मम्मा क्या बोल रही है, गिरेगी बेटा से बैठी है, गिर जाएगी, देखी मेरा बेटी का काम, मेरी बेटी ऐसे खेलती है। सूती ये सब किसने किया है, भूत किया है, पिटोक होगी मेरा बेटी। 6.5 hours later a few moments later तो अभी बज रहे हैं 11:15 और हम सभी का खाना पीना हो गया है, और हम लोग अभी सोने के लिए आए हैं। दर्श मुझे ज़्यादा नहीं दिख रही है, मैंने बांध दिया है, और सचिन भी आए हुए हैं, कल वो चले जाएंगे। इसके बाद तो बस
आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। हाँ बेटा, मेरी बेटी भाई और बलून चाहिए, और कितना बलून चाहिए मेरी बेटी को। अच्छा ठीक है, कल पापा को लाने बोल देंगे। हाँ अब बताइए, रात को 11:15 मैं से बलून कहाँ से दूँ? तो बचा हुआ बलून था तो मैंने इसे दे दिया। चल बाय करो, बाय करो, बाय करो।